नमस्कार। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अगला सवाल अभिषेक भार्गव जी उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, सर स्पेंट मशरूम कंपोस्ट को हम कहाँ यूज करते हैं, इसका एग्जैक्ट यूज क्या है, कैसे यूज करें कि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट मिले। सो भार्गव जी, स्पेंट कंपोस्ट जो है उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग करने का तरीका है। अगर आप उसको प्रोसेस करके पैक करके सेल करो तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, यहां तक कि आपकी कंपोस्टिंग का 50% आपको वापस आ जाएगा। अब प्रोसेस करने का क्या तरीका है, बेसिकली ये मैं अपनी डिटेल वीडियो में डिस्कस करूंगा, आपको पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फ्यू सेकंड्स में ये नहीं समझाया जा सकता। पहला तो ये है कि आप उसकी प्रोसेसिंग कीजिए, दूसरा ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कीजिए उससे। वर्मी कंपोस्ट अगर आप उसे तैयार करते हैं तो फर्दर फिर आपको केसिंग में वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मोस्टली इंफेक्शन खत्म हो जाती है। तीसरा, आप उसकी री केसिंग में यूज कर सकते हैं, पर ऐसा तब करें जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं मशरूम कल्टीवेशन में, या आपके पास प्रॉपर पैश्चराइजेशन करने की फैसिलिटी है, क्योंकि कई बार स्पेंट कंपोस्ट को, जो कम से कम साल डेढ़ साल पुरानी स्पेंट कंपोस्ट है, जब हम उसे एज अ केसिंग यूज करते हैं तो इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रॉपर पैश्चराइजेशन की अगर नॉलेज है तो आप इसे रीयूज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसा सेल करेंगे तो आपको उतना अमाउंट, उतना मुनाफा नहीं होगा। तो मेरी राय है भी आप इसे प्रोसेसिंग करके सेल कीजिए, या इसकी वर्मी कंपोस्टिंग कीजिए, या इसकी आप रीकेसिंग में यूज कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सवालों को पूछते रहिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा।